रहीम, आग लगाओ उसके अंदर तेज से। बुरी दावत जोर से आग लगाओ उसके अंदर और जोर से लगा, पूरी ताकत लगा और जोर से। और जोर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आग लगाओ उसके अंदर, जलाओ उसको तेजी से। कितने साल से परेशान कर रहा था कौन है तू? औरत है, मर्यादी आदमी है, अभी से जिन्नात है, बोल लोगों को कौन है तो कमबख्त। कौन है कमाने वाला था इसको अम्मास में पूनम में? पेशेंट का क्या नाम है? शाहिया बेगम को कब मारने वाला था? कब? अम्मास में पूनम में। लाओ बाहर से जंजीरा लाओ और उसको जकड़ के बंधा लो, उसके हाथा पता काट के लिए जकड़ लो उसको तेज एक साथ में जंजीरों से, दोनों हाथा काट लिए उसके। वो चल बोल लगा, तेरी कितनी ताकत है पूरी लगा। قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهم على الله شيطانا وأن الظن أن تغلى نسوة على الله قاسيب وأنه كان رجال يعوذون برجال فضلوا ضحكا There can only be one winner. Let's go. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك من ضر ولا رشدا قل إني لا ينجى وأنا من الضالين من دون الله مدعى أحدا إلا بلغا من الله برسالاتي ومن يطع الله ورسوله فإن الله نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يؤدون فسيعلمون من نذر مرسل قد أدعد قل لندري أقرب ما تؤدون أم يجعل الله ربي أعمد عالم الغيب فليس لغيبه أحد إلا من تطهر إلا من تطهر الرسول فإنه يصوم من بين يديهم لقد فيه رصد ليعلم من قد أبلغ صلاة ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدا. मारो उसको और तेज जकड़ के मारो उसके अंदर से, आग लगा लो पूरी तेज से। चल अब तेरे हाथा काट के ले जाना, क्या करना तुझे, जाने देना इज्जत से छोड़ना,
कैद करा देना या तेरे हाथा वाता काट के दे देना। जल्दी बोल, टाइम नहीं मेरे पास में। बोल कहां से आया था? शमशान से, कब्रस्तान से। घर से चला था। जोर से बोल, सबको सुने आना, पूरी ताकत लगा के। कहां से आया? घर से जाया। खजाने पे का है? कहां का है? खुद ब खुद आया कोई छोड़े लाके? कहां से आया था? शमशान से, कब्रस्तान से। जलाओ उसके अंदर आग, लगाओ तेज से। आग भड़काओ, काट लूं, काट के लूं, दो टुकड़े करूं? नहीं, जला देता तेरे दोनों हाथों, जला के हुकुम देता, काट दो इसके हाथों में, तेजी से आग भड़काओ। कहां से आया था? कमबख्त बाप का तेरा रात चल रहा, इज्जत से पूछे तो बोलता नहीं, पूरा जला के राख करूंगा। जोर से अब कैसी पलटरी मार देगा क्या? बहुत तकलीफ दे रहा था उन लोगों को। क्या क्या कर रहा था उनके घर में? क्या क्या तकलीफ दे रहा था? मारो उसको और तेज से, जकड़ के आग लगाओ उसके अंदर। चल बोला बोल। कहां से आया था? शमशान से। जब तक उन्होंने बोला, जब तक आग लगाओ। बोलता नहीं, बोलता बोलता नहीं, बोलता जाओ दौर दे से, दो महल में आग लगाओ उसके तेज साथ में। कहां से लाए थे? शमशान से, कब्रिस्तान से। कौन से गांव के? बंबई के, दिल्ली के, पुणे के, कहां से? मस्ती के। मस्ती के। जोर से। मस्ती उसका गांव है। अच्छा, कब लाए थे? कितने साल हो गए? 14 साल हो गए। अच्छा, 14 साल से आने वाला था उसके। इसको मारने वाला कब था? वो मारो कब बोले थे इसको? अमास में, पूनम में, जान लो बोले उसकी। मारने को नहीं बोले थे। हाँ, क्या क्या बोले थे? उसके पास बहुत सी उसे सता भर। हाँ, और तकलीफ दे। हाँ, और उसे बर्बादी कर दे। सबसे उसे बिछा दे। सबसे उसे घर में अच्छा रहने दे। सबसे उसे बिछा दे। घर में लड़ाई भी लगाओ बोले उसके। सबको आपस में लड़ाओ बोले घर में। जोर से बोल, कमात काट दूंगा नहीं तो। उसकी माँ बहन आ गई थी ना? हाँ, उसकी माँ बहन आ गई थी ना? हाँ, उसे उसे माँ बहन आ गई थी। उसे जमना नहीं रखो। जुड़ा थोड़ा डाले सबसे। पिछड़ा डाले वैसे। उसके बच्चों पे भी करे? नहीं, बच्चों पे नहीं करी। हाँ, बेटी पे, बेटे पे, लोगों पे नहीं। साईं बोल, सही बोलना तो आग लगा दूंगा और तेज से। हाँ हाँ बोल जल्दी। उन्हें भी है ना? कौन? मेरे साथ उन्हें भी है। कौन है? जल्दी बोलने तो काट दूंगा। हाँ, खबीस जिन है। अच्छा, तेरे साथ में और खबीस है तेरा साथी? हाँ, उसको कहाँ से पकड़े थे? मालूम नहीं मुझे उसका। अच्छा, और कितने साथी हैं? बस उन्हें भी, मैं दोनों जिन से। उसको कब मारने वाले थे? क्या नाम इनका? शाहीन बेगम को कब मारने वाले थे जान से? नहीं, मरना नहीं है ना, तो इसे अच्छा नहीं होना अगर अच्छा। अच्छा, तड़प तड़प के मरना, मच्छी के वैसा, मच्छी का सा पानी बाहर तड़पती वैसा। मंडी है ना, उन्हें मंडी है ना लोगो। हाँ, मंडी 600 को। हाँ, मंडी 600। क्या ये कौन भी नहीं है अभी इसके साथ में? हाँ, इनसे पूरे परिवार
अच्छा सारे खानदान से तोड़ा दिया उसको। ऐसा करे देख सब टूट जाना पूरा खानदान। अब उसे उसके बच्चे भी जो ने छह सकुल के नहीं दूसरे और जादू भी सबको ही बच्चों को भी जादू करे बच्चे को नहीं हाँ। बच्ची के ऊपर घर को ही बच्ची पे करे बच्ची का क्या अलग करे जादू करते टाइम पे बच्ची को एक बार खाने में मिला को खलर थे क्या था खाना वो गोश का खाना चलना था। अच्छा कितना टाइम और खिला के 4 साल उसे खुद के घर में खिलाए दावत में खिलाए कि घर पे बुला के खिलाए कैसा खिलाए उसके दोस्तों के घर में बुला के खिलाए। अच्छा कौन सा दोस्त था वो हाँ 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 कौन सी दोस्त नहीं थी वो हाँ मोहानी के घर में उसे बच्ची को दवा डाले थे। अच्छा इसे भी डाल को थे हाँ वो निकाल तो करके इन्होंने इसे भी निकाल लिया उसकी बच्ची को भी निकाल लिया और एक बार डाल को ही अच्छा और डाले बच्ची गले है दवा हाँ। है अच्छा पेट में है दिल में कहाँ पे पड़े कलेजे में है दिमाग में पेट में कहाँ चढ़ी दवा उसे ज्यादा कलेजे में चढ़ी है। अच्छा कलेजे में चढ़ी तो बच्ची को क्या करने वाले थे उसको मारने वाले थे उसको भी परेशान करने वाले थे उन्हें भी अच्छी हनानी हाँ। इसके से कहा आज हो जाना अच्छा तबाही बर्बादी हो जाना उसकी पूरी उन्हें कहा भी अच्छी हनानी हाँ इसकी मदद तुम्हारा संभालने से। अच्छा मार दिए कब मारे अल्लाह हु अकबर कब मारे उसे मारा को तब से भी हमें ही से भगा दल उसके पीछे हमें छीन से हाँ कैसा मारे उसको हाँ फिर क्या करे तुमने मार दिए कौन कर रही थी जादू इनके ऊपर ये सब पे कौन करी थी वो कौन है औरत है कौन है वो कौन है जोर से बोल कौन है आदमी है कौन है इनके रिश्तेदार है क्या पहचान वाली है इनके दूर से खानदान वाली है खानदान वाली है क्या नाम है उसका इरशाद कहाँ रहती उन्हें हाँ चिलो में। अच्छा इनकी क्या होती उन्हें इन्हें इनके बाबा की हाँ मामी किसके बाबा की मामी होती ये बच्ची के क्या फिर ये इनका क्या नाम है बच्ची के शाहीन बेगम के क्या शाहीन बेगम की बेटी के बच्ची के बाबा के मुमानी अच्छा उन्हें भी नहीं चले कि उन्हें भी मर गई। अच्छा और उसके साथ में और कितने लोग मिले आले थे जब जादू करते वक्त नहीं कौन मिले उन्हें किसी ने 4 साल पहले ये बच्ची को खिलाए तो कौन खिलाए थे वो बच्ची को उसके उसका क्या नाम है समीना को कौन खिलाए थे 4 साल पहले किसके बच्ची की मामी। अच्छा बच्ची की मामी ने क्या दुश्मनी से उन्हें बच्ची होना नहीं करते तभी से। अच्छा क्या नहीं होना वो बच्ची अच्छी होना नहीं आगे बढ़ना नहीं रुकावट हाँ। होना उसे अच्छे घर को जाना नहीं उसकी शादी होना नहीं उसकी सेहत अच्छी होना नहीं और क्या कर रहा था तू बच्चे को क्या कर रहा था बच्चे को भी करे जादू सो हाँ बच्चे को कौन भी नहीं कर बाहर से होगा था हाँ बच्चे को बाहर से होगा था कोई भी करत नहीं बाहर से उसके दोस्तां करे बाहर से लगा डायरेक्ट उसको बाहर से आया बच्चे को तो उंगलने में आया कैसा क्या आया क्या खुद ब खुद लग गया बोल तो नहीं आया छोड़ते नहीं तो मार के डाल दूंगा। कितने साल से परेशान कर रहा था टोटल अरे हाँ चलाओ उसके अंदर आग लगाओ तेज इससे बोल अभी इसको छोड़ के जाता है कि फिर तुझको जलाने के कार्रवाई करूं पूरे हाँ।
सही में जाने वाला है नहीं जाने वाला है? बोल चले गया। बहुत लोगों को बहुत झूठे बातें करा करते तूने लोगों को। जा रहा हूँ, इससे पहले बोला हूँ ना, जा रहा हूँ। गया नहीं तू, क्यों नहीं गया? हवरे हाँ बोल। मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। माँ ला 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 बा ला 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 माँ। आग लगाओ उसके अंदर और तेज से काट दूँ, कर दूँ पूरे टुकड़े। नहीं हजरत, हाँ नको बोल। नहीं नको, मुझे मारा नको, मैं चले आया तू। किसका था? बोल रहे तो बता चलेगा दिल तो वहां था, तो ऐसा जाता नहीं कम बहुत। जब नस नस में तू दवा लेके बैठा ना, भीन के निकाल के बाहर फेंकने लगा था, तोबा कर बाहर निकल के खड़े रहे, इसके उल्टे और जुलाब लगा के सारी दवा बाहर निकाल के फेंको उतारे के अंदर, और इसी सारी शक्ति अगर इन्हें अंदर बैठी ना, मार मार के खत्म करके कमजोर करा के उसको भस्म कराओ। जोर से तोबा तोबा कर, जोर से तोबा 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 तोबा। तब निकल बाहर जाके खड़े रहे, दोबारा दिखना नहीं मेरे उसके आम में, उल्टियां और जुलाब लगा के इसके अंदर की सारी दवा बाहर निकाल के फेंको तेजी के साथ में उतारे के अंदर। चल बाहर जा, छोड़ो हटो पीछे से, पीछे हट जाओ, मुंह में कपड़ा डालो होंगे। अरे बाहर छोड़ उसको, दोबारा उसके आंख में जाना नहीं कम बखत, अगर जाएगा तो फिर बहुत बुरा मार मार के खत्म करा दूंगा। और सारी दवा उल्टिया में और जुलाब में इसकी उतारे के अंदर बाहर निकाल के फेंको, जैसा जैसा उतारूंगा नस नस में से सारी दवा बाहर निकाल के फेंक दो उसकी। अरे क्या होगा, चलो एक मिनट लाइन करो, मैं कपड़ा रखूंगी तो क्या बनेगा। हां जल्दी वो पेशेंट देखने आते थे बोलिए। हाँ ठीक है चालू होता आ सकते आ जाए, चलो वो आप देखते हैं ठीक है। चलिए बता दें पेशेंट देखो बात करते हैं। ये जो है ये लगा हुआ नहीं है, ये लगाया हुआ है, जैसे बयान कर रहा था वो किसने खिलाया क्या खिलाया है दास्तान में, क्योंकि ये क्यों रहती तो ये जाओ नहीं जाता नहीं, फिर वापस पलट गया था, जला जला के राख करना होगा, सब खत्म कराना होगा उसके अमल के दौरान, जब वो अमल होते उतारे उसमें खत्म होगा। और ये ऐसे हरकतों से बाज आने के लिए दुआ मोमिन का हथियार है, इबादत की रस्सी को मजबूत थामेंगे, ये सब बातों पर अमल करेंगे तो ये सब चीज़ों से महफूज रहेंगे, और अल्लाह से अल्लाह की पनाह मांगना, अल्लाह तेरे पनाह में रख, तेरे पनाह में रख, तेरे पनाह में रख, तो तुम ये सब बातों से महफूज रहेंगे महफूज रहेंगे महफूज रहेंगे। और एक बात याद रखना, भुंगरे भांगरे इलाज वालों के पास तुम अगर जाएंगे कोई तुम्हारे को फैज नहीं पहुंचा सकता, उल्टा तुम्हारा ज्यादा परेशान कर देते हो जादू का, उनकी कुछ औकात नहीं, उनकी कोई हैसियत नहीं, उनकी कोई जरूरत, तुम्हारा जादू टोना कटता सिर्फ अल्लाह वालों की तरफ से, क्योंकि अल्लाह वालों का दर डायरेक्ट अल्लाह से जुड़ा हुआ होगा, और अल्लाह जमीन पे आके इलाज नहीं करेगा ना तुम्हारा, अल्लाह जमीन पे कैसे आएंगे उसकी खुशहाली के खिलाफ, जमीन पे आने से पहले ये जमीन और ये सब चीजें उसका नूर देखने से पहले जल के राख हो लेंगे,
जमीन और आसमान सब चीजें उसका थोड़ी नूर को बर्दाश्त कर सकते। तो अपने चुनिंदा बंदों के हाथ से काम लेता, चुनिंदा बंदों के हाथ से काम लेता, फैज पहुंचाता। तो तुम अगर गए बुजुर्गाने दिन के पास जाना अच्छी बात है, कोई मसला नहीं, और तुम एक दूसरे के ऊपर से जादू टोने करेंगे ये करेंगे तुम्हारी नस्ल बिगड़ जाएगी, सब नस्ल तुम्हारी हरामजादी बन जाएगी। क्योंकि तुम जादू टोने कर रहे हो, सकता तुम्हारे बाप दादा भी जादू टोने करते हो, सकता उनके भी बाप दादा करते होंगे, हो सकता तुम अबू जहल के घराने से होंगे, हो सकता तुम यजीद के औलादों में से होंगे, हो सकता तुम, क्योंकि अच्छे इंसान की औलाद दुनिया के अंदर इमाम हसन और इमाम हुसैन की औलादे आज भी दुनिया को फैज पहुंचा रही, और यजीद की औलाद जो होंगी नाजायज दुनिया में तो आज भी वो फितने फसादात और जहमत दे रहे लोगों, क्योंकि वो खानदानी कौन है ना, गिद्ध के बच्चे मुर्दाड़ का गोश्त लोचेंगे और शेर के बच्चे शिकार करेंगे, तो दोनों में फर्क है ना। तुम क्या बोलते हो, गिद्ध के बच्चों को शिकार करने भेजेंगे, नहीं आता उनको करने, शेर शेर है और गिद्ध गिद्ध तो जात है ना, कुत्ता भूकेगा और शेर खंकारेगा, तुम कुत्ते को कलर मार के कितना भी बोलेंगे खंगार तो खंगार थोड़ी सकता हो, भूकेगा जो, और शेर को तुम कितना भी मेकअप करके भूकने लगेंगे तो भूक नहीं सकता, शेर तो शेर अल्लाह ने बना हुआ ना, इसलिए अल्लाह ने जो अच्छे लोग रखा ले दुनिया में तो उनकी अच्छों की नस्लें अच्छी रहती, इमाम हसन की, इमाम हुसैन की, गौसुल आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह से कैसा फैज दिया, गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से कैसा दुनिया को फैज पहुंचाया अल्लाह ने, और वही यजीद की औलाद है, वही मलून, वही अबू लहब अबू जहल की औलादों में से तुम होंगे, हो सकता होंगे नाजायज औलादों में से, बल्कि तुम एक दूसरे को जादू टोने करके परेशान कर रहे, तुम अगर तुम्हारे बाप दादा अच्छे और तुम अच्छे जमीर वाले लोग हैं तुम्हारा खून और तुम्हारी रूहानियत गवाही नहीं देती उधर जाके ऐसे किसी को परेशान करने की, ये बात है। और दूसरी बात इसी याद रखना कि ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहम नास, अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे, तुम अगर ऐसी हरकत करेंगे तो यकीनन तुम दूसरों के वास्ते खड्डा खोदोगे तो खुद भी गिरेंगे, क्योंकि तुम्हारे वास्ते भी कोई तैयार करेगा खड्डा, इसलिए बेहतर है कि ऐसे हरकतें नहीं करना। बाज आना, नफ्स पर काबू पाना, किताब और नफ्स पर काबू पाने की रूहानी कैफियत बनाओ तुम। तुम अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो इससे कुछ किसी का जाने वाला नहीं, तुम्हारी दुनिया आखिर सब बर्बाद हो जाएगी। और एक बात ये बोलता हूँ मैं कि वो तो नस्ल तुम्हारी जो ऐसी हरकतें कर रहे जादू टोने, ये फितरत रहती ना, जात जाति जात पे धराती जाति घास पे, वाकिया है सुल्तान महमूद गजनवी खून पे से बुलेट के रिलेशन पे से तुम्हारा खून बुलेट रिलेशन बोलते ना बुलेट लाइन पे से तुमको मैं एक वाकिया बताता हूँ कि हजरत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह आप गद्दी पर बैठे हुए थे आपके और आपका दरबार भरा, तो आपने उस वक्त के पूरे वली अल्लाह बुजुर्गान दीन कुतुब अब्दाल सबको बुलाए और बुलाकर बोले कि मुझे खिज्र अलैहिस्सलाम से मिलना है, कौन है अल्लाह का वली जो मुझे खिज्र से मिला दे। तो उसमें से एक शख्स उठा और उठकर कहा कि मैं आपको मिलाऊंगा, सारे बुजुर्गान दीन वली अल्लाह कुतुब अब्दाल सब ने नीचे सर डाल दिए, कोई ऐसा बोला नहीं उठ करके मैं आपको मिलाऊंगा, एक शख्स उठा बुलेट लाइन, अब देखो खून की फितरत और खून की दास्तान, तो उठा एक शख्स और उठकर कहा कि मैं तुमको मिलाऊंगा ए सुल्तान, मैं आपको खिज्र अलैहिस्सलाम से मिलाऊंगा। तो सुल्तान ने कहा कैसे, तो मुझे 6 महीने का छिल्ला करना पड़ेगा, 6 महीने तक मुझे एक बंद कमरे के अंदर इबादत करना पड़ेगी, छिल्ला खशी करने के बाद फिर मैं वो आपको उनसे मिला दूंगा। ठीक है सुल्तान ने बोले, तो क्या करना होगा, तो मुझे गाँव के बाहर एक घर बना कर दो आप और उसमें मैं इबादत करूंगा और वो 40 दिन के 6 महीने के बाद में फिर खिज्र से आपकी मुलाकात करा दूंगा और 6 महीने तक मेरे खाने पीने का बंदोबस्त कर देना और मेरे बच्चों का और बीवी बच्चों का भी जो भी पेंशन उनको भी भेज देते जाना। तो ठीक है सुल्तान ने बोले, शाही खजाने से उनको भी चले जाएगा पैसा जो भी है राशन पानी और तुमको भी पहुंच जाएगा बना के। 6 महीने के बाद फिर दरबार भरा तो आपने कहे कि खिज्र से आप मिलाओगे, तो बोले सुल्तान और 6 महीने का मौका दो, अभी बोले थोड़ा छिल्ला बाकी है छिल्ले कशी करना। ठीक है सुल्तान ने बोले जाओ डबल से करो, 6 महीने के बाद फिर आओ, फिर 6 महीने यानी कि टोटल 1 साल होगा, 1 साल के बाद फिर दरबार भरा, वजीर आजम जितने वजीर रहे उतने वजीर सेनापति फौज के सब कमांडर चीफ वहां सब मौजूद होगा, वहां सब खड़े होगा देखने के लिए खिज्र से मिलाने वाले वादा होगा एक 6 महीने का, दूसरे 6 महीने में छिल्ले में तो आपको मिलेंगे ही, फिर अल्लाह के वलिया बुजुर्गान दीन सब वहां आकर बैठ गए, कुतुब अब्दाल वलिया सब बैठे आ रहे। तो वो शख्स आकर खड़े हुआ दरबार में, दरबार में खड़े होने के बाद में सुल्तान ने पूछे क्या मुझे मिलाओगे तुम खिज्र अलैहिस्सलाम से, तो वो शख्स ने कहा सुल्तान माफी चाहूंगा मैं नहीं मिला सकता खिज्र से, क्यों, तो बोले मैंने झूठ कहा था आपसे। सुल्तान ने कहा झूठ, झूठ कहा था, क्यों कहा था झूठ, मेरे बीवी बच्चों का पेट मुझसे पालना मुश्किल हो रहा था और कमाई का जरिया नहीं था और मेरे को कमाने को जाना दिल नहीं बोल रहा था, तो इसलिए मैंने एक काम ऐसा करा
जब फरमान सुना तो मैंने बोला कि एक साल तो मैं तुम्हारे से बैठकर शाही खजाने से खा लूंगा, उसके बाद में क्या है माफी नामा डाल के माफी मांग लूंगा, माफ कर दो बोलकर। तो सुल्तान ने बोले इसका मतलब तुमने झूठ कहे थे हमसे, और सुल्तान को झूठ बोलकर तुमने गुमराह करे, क्या सजा दी जाए इसको। बोलते दरबार के अंदर सबके तरफ देखे, सब पूरे बुजुर्ग आने दीन की तरफ, सब सबने से नीचे सर कर दिया, क्या बोलेंगे। एक वजीर उठा उठकर बोला कि सुल्तान इसके खीमा खीमा कर दो और चील कर वो खिला दो। सुल्तान ने ऐसा देखे और देखने के बाद यूं करके बोले क्या करना चाहिए। तो एक बुजुर्ग आने दीन की तरफ देखे बैठे, तो एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे आ रहे थे, तो उन्होंने कहे बराबर हाथ में तस्बीह लेकर खीमा खीमा कर दो, चील को खिला दो। फिर सुल्तान ने वजीरों की तरफ देखे और एक वजीर पूछे क्या करना चाहिए, फिर वजीरों की तरफ मुखातिब होकर, तो एक वजीर ने उठा और उठकर बोला कि सुल्तान इस भूखे कुत्तों के अंदर डाल दो, कुत्ते इसको लोच लोच के खा लेंगे। तो सुल्तान ने बुजुर्गों की तरफ देखे, तो एक नूरानी चेहरे वाले जो बुजुर्ग थे, वही बुजुर्ग जिन्होंने पहले कहे थे बराबर, उन्होंने फिर कहा कि बोले बराबर उसका भूखे कुत्तों के सामने उसको डाल दो और लोच के कुत्ते खा लेंगे उसको, उसकी बोटी बोटी, तो बराबर। सुल्तान ने फिर क्या करे इधर उधर देखे, और सुल्तान जब तक फैसला नहीं देते थे जब तक अय्यास को पूछते नहीं थे। अय्यास जो था आपका गुलाम था, और गुलाम ऐसा भी था कि अय्यास के अखलाक के चर्चे पूरे इसमें मशहूर थे, तारीख पढ़ो पता चलेगा। सुल्तान उनको पूछे, इतने नेक बखत थे अय्यास की, जिसके अंदर सुल्तान भी इतने नेक बखत थे, सुल्तान की आज भी खबर खुली थी 1965 का वाकया है, तो आपकी बॉडी जैसी की वैसी थी, आपके जिस्म मुबारक को जो गुस्ल दिए थे वो गुस्ल के बूंद तक आपके जिस्म पर पूरे साबित थे जैसे कि वैसे, उनको तक पूरी मट्टी ने जजम कर सकी, तो शरीर को क्या खराब कर सकेंगे आपके, क्योंकि अल्लाह वाले लोग थे अपने। तो वो बुजुर्ग ने की तरफ देखे, तो बुजुर्ग ने कहा कि ठीक है बराबर, तो आपने अय्यास से पूछे आपके गुलाम से बाजू में खड़ा था, तो अय्यास आपकी क्या राय है। अय्यास ने फरमाए कि सुल्तान उस गरीब ने झूठ बोला उसके बच्चों का पेट पालने के लिए, और 6 महीने तक और 1 साल तक सुल्तान के शाही खजाने से उसके बच्चों का पेट पला, तो ना शाही खजाने में कमी आई उसके झूठ बोलने से और ना सुल्तान के रुतबे में कमी आई, तो इसलिए मैं ये कहता हूँ मेरे तरफ से राय कि उसके बच्चों का पेट पालने के लिए बोला था तो उसको माफ कर दिया जाए। तो सुल्तान ने बुजुर्ग की तरफ देखे, वही बुजुर्ग जो पहले दो बार बोले बराबर, सुल्तान ने बुजुर्ग तरफ देखते जो सुल्तान बुजुर्ग बोल रहे बराबर उसको माफ कर दिया जाए। हाँ सुल्तान ने बोले ऐसा कैसा, चील का वो खिला दो बराबर खिला दो, टुकड़े वो कुत्तों के सामने छोड़ दो खिला दो बराबर, माफ कर दो बराबर माफ कर दो, ये कैसी बात है, जो भी जिधर जो भी बोला तुम उसके साथ मिलके हाँ बोल रहे, क्या राज है बोले। तो उन्होंने बोले कि सुल्तान मैं तुमको एक बात बताता हूँ, बोले बुजुर्ग बोल रहे नूरानी चेहरे वाले, वो जो इंसान ने कहा कि खीमा कर दो और वो खीमा चील कब को खिला दो, इस शख्स का तो बरोबर कहा ना उन्हें, उसके बाप दादा खसई थे, खसई उनके काम इस था कि टुकड़े करना खीमा करना बेचना, तो खून जाएगा खून पे, जात जाती जात पे, बुलेट लाइन जाती बुलेट लाइन पे, तो उन्हें वही कहेगा ना टुकड़े टुकड़े कर दो खीमा खीमा कर दो, तो बराबर मैंने कहा बराबर खिला दो चील कब, फिर दूसरे ने क्यों कहा कुत्तों को खिला दो, दूसरे ने इसलिए कहा कि उसके बाप दादा तुम्हारे बाप दादाओं के कुत्ते संभालते थे, शाही राजाओं के कुत्ते जो रहते वो संभालते थे, तो उन्हें वही बोलेगा ना, वो अपन उसका बेटा तरक्की करते करते वजीर बन गया, एक का बेटा तरक्की करते करते वजीर बन गया, तो उन्होंने तो वही कहेंगे ना उनके जो खून है नस्ल, तो फिर अय्याज ने क्यों कहा माफ कर दो, तो अय्याज ने इसलिए कहा बोले माफ कर दो कि अय्याज के बाप दादा, अय्याज ने अपना पूरा, अय्याज के बाप दादाओं ने अपना पूरा घराना करबला में लुटा दिया और बदला लेने की नहीं सोचे, तो वो है ना बोले वो नस्ल, यानी कि अय्याज सैयद है, अय्याज इमाम असल इमाम हुसैन की औलादों में से, वो लोग कैसा बदला लेने की सोचेंगे, इसको भी सबको माफ करने की सोचेंगे ना, बोले उनका खून वैसा उनकी नस्ल वैसी है। बोलते सुल्तान गद्दी पे उठ के खड़े होकर बोले कि अय्याज आप सैयद है, आपने बोले क्यों नहीं मुझे आज तक नहीं बोले, इतना बड़ा राज छुपा करके। तो अय्याज नहीं होकर के उसके तरफ देखे बुजुर्ग की तरफ और कहे कि हजरत तुमने मेरा राज खोल दिया मैं तुम्हारा राज खोल देता, यही तो खिजर अलैहि सलाम ने बोले। देखिए खिजर ने आके भी बता दिया कि जात जाति जात पे दराती जाती घास पे, तुम्हारे जा रहे ना जादू टोने करने को, तुमने जा रहे तुम्हारा खून अंदर का गलीज निकालो, वो फितरत वो गलीज तुम्हारे ना जाने कौन से पूर्वज थे ना जाने कौन से बदमाश लोग थे, वो हटा के उनका नेक वक्त बनो, नेक बनो तो आने वाली तुम्हारी नस्लें नेक बनेंगी, अगर तुम वाकई में क्या बोलते थे वैसी रहेंगी दास्तान तुम्हारी ऐसी चलेंगी, तो फिर किसी का कुछ नहीं रहेगा, जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भीख, इसलिए बेहतर है कि इबादत की रस्सी को ज्यादा से ज्यादा थामो, इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, और इबादत मोमिन का हथियार है, ढाल है ये सब चीज़ें, ये तुम्हारी दुनिया और आखिरत सब बना देती,
अल्लाह वालों की सोबत में एक लम्हा बैठना 60 साल की इबादत के बराबर है, हदीस में बता दिया है। और जादूगर के पास तुम जाएंगे तो उसका अपोजिट भी तो होगा ना, जादूगर के साथ एक लम्हा बैठना तुम्हारी 60 साल की इबादत रद्द कर दी जाएगी। इसलिए जादूगर के पास मत जाओ, खुद का इलाज खुद करना सीखो। तुम्हारा कलाम इलाही दिया अल्लाह ने, जबान भी तो बनाओ पढ़ने वाली, खाली जुजदानों में और मेहराबों में सजाने के वास्ते कुरान नहीं दिया, तुम्हारा सजा के रख देने के लिए पढ़ो और उसका फायदा उठाओ। और तुम खुदा की कौन कौन सी नियामत को झुठलाओगे, सबसे बड़ी नियामत अल्लाह की कलाम इलाही, समझ रहे अल्लाह का सुने से हरकत नहीं करना है, दूसरे को करने से तुम्हारी जिंदगी बड़ा खराब होंगी और तुम्हारे आने वाली नस्लों को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि तुम किसी का घर चलेंगे तुम्हारी नस्लों की तो नस्ल भी तो सुकून में नहीं रहेगी ना, और तुम्हारी रूहें तड़पेंगी खबरों के अंदर तुम्हारी नस्लों के बाहर परेशान देखता हुआ। बहुत सारे राज है तुमको क्या मालूम, अभी तुमको हरा हरा लग रहा, बाद में पता चलेगा। चलो ठीक है।